हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू हलवाई। गुब्बारे जैसा भटूरा फुलाने के लिए आपको 5 सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बनाएं और कमेंट करें। देखिए कितना सॉलिड फुला हुआ भटूरा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू हलवाई। और ठंड के मौसम में भटूरा कैसे फूलता है और बिना खमीर का, देखें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एकदम गुब्बारा की तरह फूलेगा भटूरा ठंड का मौसम में। ठंड का मौसम में ज़्यादा परेशानी होता है फुलाने में, क्या कि खमीर मैदा नहीं होता है। इसके लिए देखिए, 1 किलो मैदा ले लें। 1 किलो मैदा में 1 चम्मच चीनी डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मीठा सोडा डालें, ज़्यादा नहीं, इतना सा डालना है। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दें, लगभग 2 चम्मच, और इसको गोंद लें अच्छे से। ज़्यादा गीला नहीं करना है, अच्छे से इसको गोंद ले, मिला ले रहे। ज़रूरत अनुसार आप पानी डाल सकते हैं इसमें अच्छे से। अब मिलाए बढ़िया से, ज़्यादा चिमर नहीं करना है, उल्टाना नहीं है ज़्यादा, इसी तरह से फेंटना है तरह से। और थोड़ा सा पानी डालें, इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक गूंदे, जब तक मैदा आपका कंप्लीट ना हो जाए। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है कि अच्छे से बेलाना चाहिए। परथन तो इसमें लगता नहीं है, बिना परथन का ही लगेगा। थोड़ा सा रिफाइंड लगा ले। अब इसको थोड़ा सा पटके मैदे को, अच्छे से पटके, तब तक लगभग 1 मिनट मैदा आपका पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा अथी मिल जाएगा, आपका चिकनापन हो जाएगा। महत्व से ज़्यादा ज़रूरी पटकना है, ये भी एक कला है भटूरा फुलाने का। ज़्यादा मलाट देने से चिम्मर हो जाएगा, इस तरह से पटकिएगा तो चिम्मर नहीं होगा, मैदा आपका सॉफ्ट रहेगा भटूरा आपका। पटकना ज़रूरी है, इसके लिए आप देखिए मैदा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है पटकने के बाद, अब इसको लगभग 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे फूलने के लिए। मैदा खमीर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, थोड़ा सा छोड़ देंगे। इसके बाद लोही काटेंगे, तब भटूरा बनाएंगे। आपका मैदा कंप्लीट हो चुका है, अब इसका गोली बनाएंगे भटूरे का। एक साइज में काट लें इस टाइप का, देख सकते हैं। एक साइज में काटना है और प्लेन होना चाहिए भटूरा। और लोहिया काटने के बाद भी 10 मिनट छोड़ना है। तुरंत काटने के बाद तुरंत बेलिएगा तो भटूरा नहीं फूलेगा आपका। यह कंप्लीट हो चुका, कट चुका है। इसमें रिफाइन लगा लें अच्छे से कि फटे नहीं या सूखेगा नहीं। सूखेगा तो आपका भटूरा फटरा फटरा हो जाएगा, फूलेगा नहीं उससे। कंप्लीट हो चुका, अब इसके लिए कढ़ाई में रिफाइन चढ़ा लें लगभग 1.5 किलो। इसको अच्छे से गर्म होने दें, एकदम हीट कि देते के साथ फूल जाए। ठंडा रहेगा तो आपका भटूरा नहीं फूलेगा, ज़्यादा हीट में रहेगा तो भटूरा आपका तुरंत फूलेगा ही। ठंडा में आपका भटूरा फूलेगा नहीं, ज़्यादा हीट होना ज़रूरी है। ज़्यादा ठंडा में दीजिएगा तो भटूरा फूलेगा नहीं, आपका रोटी की तरह हो जाएगा। इसके लिए महत्व है तेल हीट होना चाहिए, पूरा हीट। अब भटूरा को बेलेंगे, देख सकते हैं। इसको ले ले ऐसे,
भटूरा को अच्छे से प्लेन से बेलना है, पटरा पटरा ना होना चाहिए, पटरा होगा तब समझिए मैदा आपका नहीं फूला है, कम से कम 10-15 मिनट और छोड़ दें और प्लेन से बेला जाए तो आप समझिए हो गया प्लेन भटूरा आपका, मैदा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको तेल हीट होने तक, तेल हीट होने के बाद इसको डालें तो भटूरा एकदम गुब्बारे की तरह फूलेगा, बेलना जरूरी अच्छे से बेलना है, फटेगा तो आपका भटूरा नहीं फूलेगा। अब हाथ में ठोकते हैं तो हाथ में भी ठोक सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं रिफाइन से धुआं निकले लगा, आप भटूरा डालेंगे फट जरूर फूल जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें डालें भटूरा, तब इसको उल्टा है, देखिए फूल चुका है आपका भटूरा, जो तेल चढ़ा है कंप्लीट हो चुका है आपका भटूरा, देख सकते हैं तो तेल चढ़ाते रहे, ज़्यादा नहीं फूलेगा तो आप उस पर तेल चढ़ाते रहते हैं, चढ़ाइए इस टाइप का भटूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं एक बार में फूला भटूरा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही हलवा वाली रेसिपी देखने के लिए लाल बटन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।